जैसे हमारा, आपको पता है मैं कंपोज़र हूँ, तो कंपोज़र का क्या है कि कैमरे के पीछे वो अलग काम रहता है। तो पहले बार जो फ़ोटो शूट करके थोड़ा, तो मुझे ऐसी आदत नहीं है, थोड़ी थोड़ा कॉन्शियस हो रहा था मैं, तो अच्छा लगा, मतलब एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और अब तो जहाँ जाते इवेंट के लिए तो मतलब फ़ोटो शूट तो करना ही पड़ता है, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये भी कहना चाहूँगा कि नवरात्रि का सीजन आ चुका है, कैसे सेलिब्रेट करने हैं नवरात्रि को, कितने उत्साहित हैं इसको लेके आप? देखिए, नवरात्रि जो है, मतलब हमारे जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो है वो काफ़ी महत्व रखता है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो जैसे घर पे सेलिब्रेट करते हैं 9 दिन कम से कम, जैसे मेरे मेरी मॉम है वो व्रत रखती हैं, तो इस 9 दिन तो एटलीस्ट थोड़ा नॉन वेज वॉन वेज ये सब नहीं खाना है। बस यही, बस पूजा जो नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे। ये भी कहना चाहूँगा कि टॉयलेट ब्रेक लगाने जो आपने संगीत दिया था काफ़ी, मतलब लोगों को पसंद आया, काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्या क्या कहना धन्यवाद। चाहेंगे कि कितना बड़ा आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट है, वो फिल्म में काम देखिए, मिलना? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप में सब कुछ है। मुझे ज़्यादा, मतलब इसको क्या मैं एक्सप्रेस करूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना किसी भी स्ट्रगलिंग जो म्यूजिशियंस हैं उसके लिए ड्रीम जैसा है। तो डेफिनेटली मैं, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से मेरी एक अच्छी शुरुआत हो रही है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे इसी तरह से अपने ऑडियंस को अच्छे अच्छे गाने देता रहूँ, अच्छे अच्छे गाने बनाता रहूँ, और आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे। लास्टली पूछना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद, इसको सफलता मिलने के बाद, और कौन से प्रोजेक्ट में आपको काम मिलने का? देखिए, रिसेंटली जो मैंने एक मूवी ख़त्म की है, फिनिश की है, वो 21 तारीख शुभ मुहूर्त करके है, जो आई थिंक मोस्ट प्रोबली इस साल एंड में जहाँ तक है आना चाहिए। और बहुत सारे लाइनअप है प्रोजेक्ट्स जो मुझे आई थिंक इस अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस यही है फिलहाल। थैंक्स सर। थैंक यू।
फोटोशूट जो हो रहा है वो फोटोशूट हमारी तसल्ली के लिए है, लेकिन जय माता दी, माता जी का आज से हम लोग का व्रत शुरू हो गया है, हम उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे और आज पहला दिन है तो आज थोड़ा ज़्यादा थकावट लग रही है एज़ यू कैन सी, बट नहीं, माता जी का त्यौहार बड़े दिल से मनाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ माता जी को मेरी लाइफ में, मैं आज जहाँ भी हूँ मैं ये मानती हूँ कि मैं माता जी की वजह से हूँ, सो उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर वो माता जी, अगर उनके इसमें पुराणों में अगर लिखा है कि माता जी ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए तो मैं वैसा करूँगी, अगर उन्होंने कहा है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, जैसे एक हमारे फोटोग्राफर हैं बहुत बड़े माता के भक्त हैं, वो फोटोग्राफर हमेशा कुछ नहीं खाते, सिर्फ चाय पीते हैं और पानी पीते हैं, वो फोटोग्राफर जैसे दिन भर 9 दिन ऐसे ही रहते हैं, तो अगर वैसा कोई रह ले तो माता जी खुद आकर के पूछेंगी बेटा तुझे क्या चाहिए। एक्सपीरियंस मेरे शूट्स का बहुत अच्छा रहा, वैसे मैं मॉडलिंग ही ज़्यादा करती हूँ तो मज़ा आया, और आज मैंने इंडियन वेयर्स में किया, खास करके चनिया चोली में, तो बहुत मज़ा आ रहा है, और साथ में हमारी फ्रेंड को स्टार एकता है जो हमने दोनों ने एक फिल्म में काम किया है शादी विद जुगाड़, तो और अच्छा लग रहा है। और रही बात नवरात्रि की, तो बिकॉज बारिश की टेंशन में मैं ये सोच रही थी कि शायद नहीं जाऊँगी, लेकिन अब मैंने पहन ही लिया है तो प्लानिंग ज़रूर है जाने का है। कहीं तो जाकर के खेल के आएंगे आज, कहीं भी चालू हो। रिलीज तो बहुत जल्द होने वाली है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है उसका, थोड़ा सा ही काम बाकी है, और शायद मेरी कैरेक्टर के बारे में ये बता दूं कि जो नारद मुनि थे ना, बस वैसा ही रोल मेरा है, मतलब इधर का उधर, उधर का उधर लगाना और फिर मैं भाग जाना। ये शादी विद जुगाड़ जो है बहुत ही कॉमेडी मूवी है और मज़ा आएगा, और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो है साउथ इंडियन, जैसे वड़क्कम, और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत इंडिपेंडेंट गर्ल है, लेकिन वो लड़कों को देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो हर लड़के को बुरा मानती है, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे से किसी से प्यार भी होता है, और फिर शादी का जुगाड़ बैठता है, तो कैसे होता है वही सब है शादी में। इसके अलावा लाफिंग कलर एक फेसबुक पे पेज है जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा पेज है, इट्स एन एशियाज बिगेस्ट एंटरटेनमेंट पेज, और उसमें 29 मिलियन लोग और सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको फॉलो करते हैं इतने सारे लोग, तो जब हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उनके साथ मैं गपशप करती हूँ, और इट्स द पेज का मोटो है कि आपका स्ट्रेस को बर्स्ट करना, इट्स लाफिंग कलर्स, दैट्स व्हाई इट्स लाफिंग कलर्स, आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, स्ट्रेस दुनिया में बहुत है और हंसाने की चीज़ें बहुत कम है, और लोग हंसते हैं तो बस 2 मिनट हंस के फिर चुप हो जाते हैं, तो ये हमारा मोटो है कि हम बस कंटिन्यूस लोगों को हंसाते रहें, उनका स्ट्रेस थोड़ा कम करते रहें, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ, हम उनका सब लोगों का स्ट्रेस बस करते हैं, और बस यही मोटो है हमारे लाफिंग कलर्स पेज का, और लाफिंग कलर पेज को लाइक कीजिए, उसको और बड़ा बनाइए, पता चले कि इंडिया का एक ऐसा पेज है जो वर्ल्ड फेमस है, तो फेमस बनाइए उसे। तो आपने इंटरव्यू दिया कि नहीं सर? अभी तो नहीं जाएंगे, पर हम बहुत ही जल्द जाने वाले हैं, बिकॉज हमारी टीम जो हमारी मूवी कंप्लीट होने वाली, तो ज़रूर जाएंगे।